दोस्तों ये एक आटा चक्की है यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम क्या आई है इसमें अचानक से चलते चलते एक जोर से ब्लास्ट होने की आवाज़ आई ऐसा मुझे कस्टमर ने बताया देखिए इसके अंदर जो मो मोटर यूज होती है उसमें जो कैपेसिटर लगता है लगभग 25-30 माइक्रो माइक्रोफेट का लगता है तो उसके फटने की वजह से भी ऐसी आवाज़ आती है अभी मैं भी अभी कन्फर्म नहीं हूँ क्योंकि यहाँ जैसा कि मुझे कस्टमर ने बताया तो इस हिसाब से यहाँ पर सबसे पहले इसके इस ऊपर के जो कवर है ना उसको उतार के मैं कैपेसिटर को चेक करूँगा कि क्या वही फटा हुआ है या फिर कोई और प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला काम रहता है कैपेसिटर और यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें रहती है कंट्रोलर वगैरह चेक करने की तो इसे हमने चेक करना है उसके बाद ही पता चल पाएगा गया यहाँ पर चार स्क्रू लगी हुई है तो इनको खोलने के बाद ही हम चेक कर पाएंगे वैसे चक्की पर एक फॉल्ट मैंने पहले रिपेयर किया हुआ है उसको भी आप देख सकते हैं जिसमें चक्की बिल्कुल जाम हो गई थी उसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के एंड पे मिल जाएगी तो फाइनली यहाँ पर ये यह खुल चुका है अब इसे उठा के हम सबसे पहले देखेंगे जितने भी पुर्जे वगैरह हैं कैपेसिटर वगैरह तो यहाँ पर कैपेसिटर को मैं जैसे कि मैं चेक कर रहा हूँ ये ब्लास्ट भी नहीं है फटा भी नहीं है बिल्कुल पैक्ड है और फिर भी एक बार खोल के चेक करना ज़रूरी है ये दूसरी साइड से तो नहीं फटा है ना मैंने हाथ से चेक तो किया है अभी ऐसा कोई शॉर्टेज तो नहीं आ रहा इसमें अभी क्या है कि कन्फर्म करना ज़रूरी है उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे ब्लास्ट होने की आवाज़ जैसे कि इसमें आई है किस सेक्शन से आई है अभी इतना कोई कन्फर्म नहीं हो पा रहा तो कैपेसिटर को यहाँ पर एक स्क्रू दिया गया है चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं फिर देखते हैं कि कैपेसिटर के क्या कंडीशन है कैपेसिटर की ठीक है तो यहाँ पर कैपेसिटर मुझे तो लगता नहीं फटा है क्योंकि यहाँ पर मैंने पूरा इसको चेक करके देख लिया है फिर भी एक बार कंफर्मेशन के लिए निकाल के चेक करना ज़रूरी होगा तो यहाँ पर ये यह कैपेसिटर निकल ही चुका है चलिए आपको दिखा देता हूँ आपको मैंने बता दिया पच्चीस तीस फेरेट का ही कैपेसिटर होता है इसी के समथिंग ये अलग -अलग, अलग अलग मोटर हॉर्स पावर के हिसाब से पूरा रहेगा इसमें ज़्यादातर पच्चीस से तीस फेरेट के आसपास का कैपेसिटर लगता है कन्फर्म हो गया कि भाई कैपेसिटर ओके है अब हमने सभी सेक्शन को चेक करना है तो इस सेक्शन को भी हमने चेक करना हो तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके कटर के दो दांत टूटने की वजह से ये ब्लास्ट की आवाज़ आई होगी तो यहाँ पर ऐसा होता है ना आपका गेहूँ के साथ कोई कील वगैरह कोई ऐसा लोहे का टुकड़ा अचानक से आ जाए तो कटर में लगने पर ये टूट जाता है ये भंगार के होते हैं देखिए इससे आप वह वै तो वेल्ड करवा लीजिए रंगे से आ, नहीं होता तो कटर चेंज कर दीजिए वैसे एक वीडियो मैंने बनाई है इस पर कटर को खोल के लगाने की तो वो वीडियो जरूर देख लेना एंड स्क्रीन पर तो चलिए मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड लक